विगत दिनों कांग्रेस ने कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी सरकार बनने पर प्रदेश में बजरंग दल को बैन करने की बात कही है, जिसको लेकर के पूरे देश में बीजेपी और बजरंग दल समेत हिंदू संगठनों में आक्रोश है। देहरादून में भी आज बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने घंटाघर से कांग्रेस मुख्यालय तक मार्च निकालकर कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया, जिसके जवाब में कांग्रेसी कार्यकर्ता भी नारेबाजी करने के लिए बजरंग दल के सामने एशले हॉल पर एकत्रित हो गए और दोनों तरफ से नारेबाजी होने लगी। बजरंग दल के प्रांतीय मंत्री विकास वर्मा ने कहा कि देश हित में काम करने वाले संगठन आरोपित करने का दुष्कर्म कांग्रेस पार्टी ने किया है और सिमी पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठनों को पनाह देने का काम कांग्रेस के द्वारा समय दर समय किया गया है। वहीं दूसरी तरफ बजरंग दल का विरोध करने वाली कांग्रेस नेत्री गरिमा दसोनी ने कहा, यह कल का आया हुआ संगठन कांग्रेस की ताबूत पर ठोकने की बात करता है। ये लोग तब कहां थे जब अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, किरण नेगी के लिए सड़कों पर आंदोलन चल रहा था, ये हमें ललकारने हमारे कार्यालय आए हैं। हमने बताना चाहते हैं कि हम कांग्रेसियों ने कोई चूड़िया नहीं पहनी है। इस दौरान दोनों तरफ से गहमा गहमी बनी रही है। इसी तरह पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मुस्तैदी से तैनात है और स्थिति को कंट्रोल करने में जुटी हुई है। यहाँ पर काफी आक्रोश जो है वो दिखाई दे रहा है। बजरंग दल गो बैक, बजरंग दल मुर्दाबाद, बजरंग दल भाई है, बजरंग दल मुर्दाबाद। ये भाड़े के टट्टू 135 साल पुरानी पार्टी को ललकारने आए हैं, ये हमारे कार्यालय पर हमको धमकी देने आए हैं। ये है पुष्कर धामीराज, ये है धामीराज। कल इन्होंने 7 बजे से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालनी शुरू कर दी थी। कहाँ सो रहा था पुलिस प्रशासन, कहाँ था LIU, कहाँ सो रहा था पूरा पुष्कर धामी का तंत्र। 7 बजे के स्क्रीनशॉट मेरे पास है जिसमें ये ललकार रहे कांग्रेसियों को, उनको नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे हैं, उनको उनके ताबूत पे कील ठोकने की बात कर रहे हैं, उनका अस्तित्व समाप्त करने की बात करते हैं। ये कल की आई हुई पार्टी, ये बजरंग दल के लोग अपने को बजरंग बली का पर्यायवाची समझते हैं। इनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे अंकिता हत्याकांड में, कहाँ थे किरण नेगी को न्याय के लिए जब न्याय मिलना था, जब युवाओं पर लाठी चल रही थी कहाँ थे, जब अग्निवीर आत्महत्या कर रहे थे कहाँ थे, जिस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बुजुर्ग सड़कों पर उतरे थे आप कहाँ थे, जब मातृशक्ति पर गैरसैन भराली सैन में लाठी चार्ज और पानी की बौछारें छोड़ी गई कहाँ थे तुम लोग। तुम भाड़े के टट्टू से ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये 135 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसको नेस्त नाबूद करोगे। अपना ख्याल रखो बच्चों, कहीं खुद नेस्त नाबूद ना हो जाओ। मैं धामी सरकार से कहना चाहती हूँ, आपका पुलिस प्रशासन हम पर जोर जबरदस्ती कर रहा है, हम तो नहीं गए, हम तो भाजपा के कार्यालय नहीं गए, ये हमारे कार्यालय आए हैं हमें ललकारने। तो कांग्रेसियों ने चूड़िया नहीं पहनी, मैं बता देना चाहती हूँ इनको। कांग्रेसी अपने आखिरी सांस तक, अपने आखिरी खून की बूंद तक लड़ेगा, लेकिन इन जैसे गुंडे मवालियों को जो अपने आप को बजरंग दल का मुखौटा पहनाते हैं और उसकी आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, उनको हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। इतनी आसानी से कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करने की बात कर रहे हो, कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे हो। अरे मर गए मारने वाले, मर गए कांग्रेस को खत्म करने वाले। यूनान मिश्र रोमा, सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो बजरंग दल के इन भाड़े के टट्टुओं से कहना चाहती हूँ, वापस जाओ, कांग्रेसियों के साथ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। और पुलिस प्रशासन और धामी सरकार से कहना चाहती हूँ, फेल हो गए आप। आपको हमने चेताया, आपके अधिकारियों को स्क्रीनशॉट खींच खींच के हमने भेजे कि देखिए बजरंग दल क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन आप उनकी प्लानिंग रोक नहीं पाए। शायद आप ये सब होने देना चाहते थे, शायद आपकी भी मंशा यही थी कि ये यहाँ आए और बवाल खड़ा हो, क्योंकि प्रेमचंद से ध्यान भटकाना इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। टट्टू 135 साल पुरानी पार्टी को ललकारने आए हैं, ये हमारे कार्यालय पर हमको धमकी देने आए हैं। ये है पुष्कर धामीराज, ये है धामीराज। कल इन्होंने 7 बजे से सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालनी शुरू कर दी थी। कहाँ सो रहा था पुलिस प्रशासन, कहाँ था LIU, कहाँ सो रहा था पूरा पुष्कर धामी का तंत्र। 7 बजे के स्क्रीनशॉट मेरे पास है जिसमें ये ललकार रहे कांग्रेसियों को, उनको नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे हैं, उनको उनके ताबूत पे कील ठोकने की बात कर रहे हैं, उनका अस्तित्व समाप्त करने की बात करते हैं। ये कल की आई हुई पार्टी,
ये बजरंग दल के लोग अपने को बजरंग बली का पर्यायवाची समझते हैं। इनसे पूछना चाहती हूँ, कहाँ थे अंकिता हत्याकांड में? कहाँ थे किरण नेगी को न्याय के लिए जब न्याय मिलना था? जब युवाओं पर लाठी चल रही थी कहाँ थे? जब अग्निवीर आत्महत्या कर रहे थे कहाँ थे? जिस वक्त ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए बुजुर्ग सड़कों पर उतरे थे आप कहाँ थे? जब मातृशक्ति पर गैरसैन भरारी सैन में लाठी चार्ज और पानी की बौछारें छोड़ी गई कहाँ थे तुम लोग? तुम भाड़े के टट्टू से ज्यादा तुम्हारी कोई औकात नहीं है। ये 135 साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, इसको नेस्त नाबूद करोगे? अपना ख्याल रखो बच्चों, कहीं खुद नेस्त नाबूद ना हो जाओ। मैं धामी सरकार से कहना चाहती हूँ, आपका पुलिस प्रशासन हम पर जोर जबरदस्ती कर रहा है। हम तो नहीं गए, हम तो भाजपा के कार्यालय नहीं गए, ये हमारे कार्यालय आए हैं हमें ललकारने। तो कांग्रेसियों ने चूड़ियां नहीं पहनी, मैं बता देना चाहती हूँ इनको। कांग्रेसी अपने आखिरी सांस तक, अपने आखिरी खून की बूंद तक लड़ेगा, लेकिन इन जैसे गुंडे मवालियों को जो अपने आप को बजरंग दल का मुखौटा पहनाते हैं और उसकी आड़ में गुंडागर्दी करते हैं, उनको हम लोकतंत्र की हत्या नहीं करने देंगे। इतनी आसानी से कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त करने की बात कर रहे हो, कांग्रेस को नेस्त नाबूद करने की बात कर रहे हो? अरे मर गए मारने वाले, मर गए कांग्रेस को खत्म करने वाले। यूनान मिश्र रोमा, सब मिट गए जहाँ से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा। तो बजरंग दल के इन भाड़े के टट्टुओं से कहना चाहती हूँ, वापस जाओ, कांग्रेसियों के साथ तुम्हारी दाल गलने वाली नहीं है। और पुलिस प्रशासन और धामी सरकार से कहना चाहती हूँ, फेल हो गए आप। आपको हमने चेताया, आपके अधिकारियों को स्क्रीनशॉट खींच खींच के हमने भेजे कि देखिए बजरंग दल क्या प्लानिंग कर रहा है, लेकिन आप उनकी प्लानिंग रोक नहीं पाए। शायद आप ये सब होने देना चाहते थे, शायद आपकी भी मंशा यही थी कि ये यहाँ आए और बवाल खड़ा हो, क्योंकि प्रेमचंद से ध्यान भटकाना इस समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है।